नमस्कार मैं प्रिया धनाधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश विदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग ना करें, क्योंकि इस तरह की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज दो दिनों के दौरे पर कश्मीर गए हैं। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में 370 हटाए जाने के दो हफ्ते बाद हालात का जायजा लेने राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ श्रीनगर पहुंचे थे, हालांकि उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली थी। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेज प्रताप यादव बीते दिन रुपसपुर के रहने वाले आयांश से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आयांश की मदद में जुटने का आश्वासन दिया है। साथ ही राजद कार्यालय में एक बॉक्स भी लगाया गया है। साथ ही उन्होंने आयांश की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मदद की गुहार लगाई है। जाने माने अभिनेता अनुपम श्याम का सोमवार को निधन हो गया। गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें पिछले सप्ताह शहर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके कई अंगों के काम करना बंद हो गया था, जिसके बाद सोमवार को उनका निधन हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के कार्यालय ने रविवार को बताया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 का टीका लगवा लिया है, वो अब अपने प्रमाण पत्र कुछ सेकंड के अंदर ही व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने व्हाट्सएप के माध्यम से टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के निर्णय की प्रशंसा की है। CBSE ने छात्रों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए नए पोर्टल को जारी कर दिया है। आपको बता दें, हाल ही में CBSE ने 10वीं की परीक्षा परिणाम को जारी किया था, जिसको लेकर छात्रों ने काफी नाराजगी दिखाई थी। हालांकि अब इस नए पोर्टल पर छात्र आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। वहीं मैच को लेकर BCCI ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत दर्शकों के बीच गेंद जाने पर बॉल को दोबारा इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा, जिससे वहां बैठे दर्शक बॉल को घर लेकर जा सकेंगे। कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 1000 कर्मचारियों की संख्या वाले कंपनियों में PF का नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार ने भरने का ऐलान किया था, जिससे बिल्डरों को काफी फायदा मिला है, क्योंकि इस योजना के तहत खरीदार और बिल्डर को इनकम टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार का आयोजन करवाया था। वहां पर लोगों की शिकायत वो सुन रहे थे। इसी बीच एक फरियादी उनके सामने आए और गाना गाने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए गाना गाने की जरूरत को नहीं बताया और कहा कि आप अपनी समस्या बता सकते हैं। कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बीच भारत को जल्द ही छठी वैक्सीन मिलने वाली है। सूत्रों ने दावा किया है कि इस हफ्ते जायडस कैडिला की ZyCoV-D वैक्सीन की अनुमति दे दी जा सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि प्रशांत सागरीय स्थिति को प्रभावित करने वाली लानीना की स्थिति सितंबर तक लौट सकती है। वैश्विक मौसम से जुड़ी लानीना की स्थिति के कारण भारत में सामान्य से ज्यादा मौसमी बारिश और कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। भागलपुर के बरारी बरगाछ चौक के रहने वाले अनुज कुमार राय कई शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी दर्जनों फिल्मों की नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी हुई है। उन्होंने अब तक करीबन आधे दर्जन अवार्ड भी जीते हैं। हाल ही में अनुज के द्वारा निर्देशित फिल्म मगरूरियत MX प्लेयर पर रिलीज हुई है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह है। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच कई विधेयक अब तक पास करवा दिए गए हैं। वहीं इसी संसद में ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी गई। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की 79वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आंदोलन की भावना भारत भर में गुंजायमान हुई है और इसने हमारे देश के युवाओं में ऊर्जा भर दी है। आंदोलन शुरू होने के 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों के बीच LPG का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMUY योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। दीपा कर्माकर का जन्म 9 अगस्त 1993 को त्रिपुरा में हुआ था, यानी कि भारत की स्टार और ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर का आज जन्मदिन है। वो 28 साल की हो रही हैं। दीपा कर्माकर को भारत में जिमनास्टिक की पोस्टल गर्ल माना जाता है। संसद की समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल नहीं खोलने के खतरे इतने गंभीर हैं कि उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिला के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2021 यानी NEET UG 2021 के लिए आवेदन का कल 10 अगस्त 2021 को आखिरी दिन है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट NTANEET.NIC.IN के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ग्रीक गॉड की उपाधि लिए बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक कोई मिल गया के 18 साल पूरे होने पर अपने खास दोस्त जादू को लेकर एक इमोशनल पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, यह उसके लिए जिसने रोहित और व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन को खुशियों और जादू से भर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खाता धारकों को 30 सितंबर तक पैन आधार कार्ड को लिंक करने की सूचना दे दी है। इस बाबत बैंक ने कहा है कि यदि वो आधार और पैन को लिंक करने में विफल रहते हैं तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और लेन देन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजे गए भारतीय दल ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वहीं अब भारत ने 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में आने का लक्ष्य रखा है और इस प्रदर्शन के बाद से यह लक्ष्य संभव होता दिखाई दे रहा है। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज अपने देश लौट आए हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। पहले यह समारोह शाम 6:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाला था, मगर खराब मौसम और बारिश को देखते हुए इसकी जगह बदल दी गई और अब यह कार्यक्रम दिल्ली के एक होटल में किया गया। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के एक दिन में 35,499 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,19,69,954 है, जबकि 487 लोगों की जान चली गई है जिसके बाद जान गंवाने वालों की कुल संख्या 4,28,309 पर पहुंच गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी साझा की है, जिसके तहत बताया गया है कि 52.40 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें से अभी 2.33 करोड़ इस्तेमाल के लिए शेष बची है। आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल के तहत राज्यों को भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। विपक्ष के 15 दलों द्वारा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले इस बिल का समर्थन करने का फैसला पहले ही जारी कर लिया गया था। सीमा सुरक्षा बल भर्ती 2021 ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल के 269 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त 2021 से शुरू हो चुके हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जीरो रखने वालों के लिए अहम सूचना। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जीरो होने पर बैंक क्रेडिट लिमिट घटाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कार्ड होल्डर भविष्य में डिफॉल्ट हो सकता है। क्रेडिट लिमिट कम होने का असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है और यह कम होने लगता है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपनी पहली 5 दिन की समुद्री यात्रा रविवार को पूरी कर ली है। परीक्षण में 40,000 टन के इस जहाज का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। बता दें कि 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस जहाज को बुधवार को समुद्री परीक्षण के लिए रवाना किया गया था और अब इसने अपने ट्रायल को सफलता के साथ पूरा कर लिया है। पीएम सम्मान निधि योजना के 9.75 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में 19,509 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत 9वीं किश्त ये जारी की गई है। स्कीम के तहत सरकार की तरफ से प्रत्येक साल किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 3 किश्त ट्रांसफर की जाती है। संजय मांजरेकर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले आगामी टेस्ट के लिए भारत की संभावित एकादश को चुना है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लाभार्थियों को दिलवाने में भारत सरकार सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।